नुकसान हुआ। तारीखी लपेट 2016 से लेकर आज तक किसी का कोई जिम्मेदार नहीं है। अपने आप अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होंगे। हम आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं। कल हमने रैली की सूरत में आपसे गुजारिश की कि भाई अपने शक्कर ढो रखो, एक दिन के लिए अगर दुकान बंद रही तो मर कोई नहीं जाओगे। जब इमरान खान ने कहा था कि कोरोना आ गया, कोरोना नहीं आया था, असल में उसकी जेब में पैसा आया था और उसने तुम्हारे जुल्म किया और तुम्हारी मसाजिद बंद करवाई, तुम्हारे मदारस बंद करवाए, तुम्हारी दुकानें बंद करवाई। उस वक्त तुम्हें दर्द कोई नहीं हुआ। आज अगर हमने गरीब आवाम की खातिर हाथ बुलंद किया और आवाज बुलंद की और तुम्हें इतना दर्द हो रहा है कि हम दुकानें नहीं बंद करेंगे, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं कि अपने इस बर्बाद की गरीब आवाम के लिए अपना हाथ उठाओ, अपनी आवाज उठाओ और उन्हें कहो कि जब तक ये तेल की महंगाई, गैस की महंगाई, बिजली की महंगाई और खून दो नोश की अशिया की महंगाई कम नहीं होती, उस वक्त तक हम उनके सामान को नुकसान पहुंचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से लेके आज दिन तक तारीखी लपेट हर कागज में बिल्कुल साफ और शफाफ है और अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी लपेट के अमीर हजरत लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी से लेके हजरत लामा साद हुसैन रिजवी तक एक रुपया भी किसी ने साबित नहीं किया और क़यामत तक कोई नहीं कर पाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह अमन वाले हैं।